मैम यहाँ पे क्वेश्चनिंग थोड़ा कर एक मिनट नीचे दिया एक और लेंगे, एक और लेंगे। I won't ask for money. Surprise रखे। अच्छा I won't ask for money. मेरा काम कॉपी कर। मिल गया? दिखा दे एक बार। So फाल्गुनी जी सबसे पहले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेल आज आपका नया सॉन्ग आने वाला है, साथ ही सभी दर्शकों को आपने बोल दिया है कि आप सभी के लिए इस नवरात्रि ये आपके लिए एक नया सॉन्ग है। आपके सॉन्ग के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टाइटल दिया गया है। टाइटल सुनते ही बहुत से लोगों को लाइक थोड़ा बहुत यंगस्टर्स को कन्फ्यूजन होगा बिकॉज आजकल सब गूगल वाले हो गए, सो प्लीज़ बताइए। सॉन्ग का टाइटल है वासलड़ी, जो गुजराती नाम है एक्चुअली। वासलड़ी मीन्स कृष्ण की बंसी, तो उसकी जो हुक लाइन है वो वासलड़ी वागीरे उसके सुर एना वर्सी पड़या, वो गुजराती में रखी है बिकॉज गुजराती में उसका फ्लेवर सुनने को अच्छा लगता है। एंड ये एक्चुअली जब भी गाना बनने वाला था तो गुजराती ही बनने वाला था, लेकिन जो हिट्स म्यूज़िक जिन्होंने रिलीज़ किया है तो उनकी टीम ने ऐसा बताया कि अगर आपको ये गाना ज़्यादा लोगों को तक तो पहुँचाना है तो इसमें हिंदी लिरिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने हिंदी और गुजराती मिक्स ऐसा ये गाना बनाया। शैल हाड़ा जी ने जिसका म्यूज़िक दिया है और संजय लोंडे जी ने बहुत अच्छा इसको पिक्चराइज़ किया है, और SSG D सूरत एंड जिगर उन्होंने अच्छा कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी की है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे लाइक 90s के टाइम से हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके म्यूज़िक से सभी बहुत हिट गए, हमेशा हर नवरात्र हम देखते हैं कि सभी वेट करते हैं कि कब फाल्गुनी जी का लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट हो, सभी गरबे का वेट करते हैं। क्या कुछ कमेंट्स आते हैं सभी फैंस की तरफ से कि किस तरीके का गाना वो आपसे और डिमांडिंग करते हैं? एक्चुअली है ना, हर साल जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि कौन सा गाना ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कौन से रिदम में हमारी ऑडियंस को खेलने का मज़ा आएगा। और कभी कभी तो जब भी नवरात्रि में हमारे जो फैंस आते हैं, जो हर साल इतने 25 साल से आने वाले जो हैं, उनको हम कभी कभी पूछते भी हैं। कभी हमने अगर नया कोई गाना लिया कि ये गाना आपको भाई कैसा लगा, कोई नया आप सजेशन दोगे क्या, तो उनको भी सजेशन हम लेते हैं, देन वी ट्राई टू इम्प्रूव अकॉर्डिंगली। साथ ही हाल ही में आपका एक जो गाना है वो सजना, नेहा कक्कर ने भी उसका कुछ रिमिक्स किया है, लेकिन कमेंट्स हम देख रहे हैं, कमेंट्स फैंस के लाइक वो सेटिस्फाई नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे आप कितनी सेटिस्फाई है, क्योंकि जब एक गाने के साथ लाइक वर्क किया जाता है तो बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, बट फैंस आर नॉट हैप्पी विद दैट, लेकिन व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? आई थैंक ऑल माय फैंस कि अभी तक उन्हें वही गाना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसमें सिंप्लिसिटी थी। ये मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, आई विल वॉच, बट वो जो गाने बनते थे जो मैंने पहला सन का, जो उसमें वीडियो में सिंप्लिसिटी, उसके म्यूज़िक में, उसके लिरिक्स में, उसके पिक्चराइजेशन में, तो ये सब बहुत बहुत मायने रखता है। शायद वो ही लोगों को छूता होगा शायद, तो ये सब ध्यान के रखने के बना। और रीमिक्सेस बनते हैं, आजकल भी बनते हैं, वो अच्छे भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए, मे भी इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ आपने लिरिक्स की बात की है, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आजकल तो बहुत म्यूज़िक वीडियोस आते हैं, सो लेकिन लिरिक्स बहुत मायने रखता है, बिकॉज वेन एवर वी सिंग क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे सभी सुनते हैं। एब्सोल्युटली। हाउ मच इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लिरिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हमेशा ये रहा है कि जितने भी मेरे गाने हो उसमें कोई डबल मीनिंग ना हो, ऐसा कुछ हो तो आई मेक श्योर कि वो चेंज हो जाए। इवन वीडियो में भी कुछ ऐसे क्या बोलते हैं वर्ड वल्गैरिटी यूज़ नहीं करनी मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो तो अच्छा है, तो आई मेक श्योर कि अपने वीडियो में ऐसा कुछ ना हो। सो जानना चाहेंगे आने वाले दिनों में भी और भी किस तरीके के म्यूज़िक सभी लोगों को सुनने मिलेगा, एनीथिंग इन दी पाइपलाइन विच यू वुड लाइक टू शेयर? कुछ ऐसा ही, बिकॉज फोक म्यूज़िक मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो क्योंकि फोक म्यूज़िक जो है सुनने को सिंपल होता है, उसके ट्यून सिंपल होते हैं, जो जल्दी हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं, जो एक क्या बोलते हैं उसको अच्छा लगता है सुनने को, क्योंकि उसमें सिंप्लिसिटी होती है। तो मे बी मेरा नेक्स्ट गाना भी फोक बेस्ड ही होगा। साथ ही हमेशा से गाते हुए आपको देखा है, लेकिन गरबा एंड ऑल का भी लाइक जब भी परफॉर्मेंस होता है क्या आपको भी मन करता है सभी ऑडियंस के साथ परफॉर्म भी करें? जी नहीं, मुझे उनको खेलते हुए देख के अच्छा लगता है, उनके लिए गाना अच्छा लगता है। इस साल क्या कुछ एक्साइटमेंट लाइक कितने एक्साइटेड होना है सभी फैंस को, क्या कुछ नए नए गाने सुनने मिलने वाला है सभी को? जी हाँ, हर साल हम लोग की ये कोशिश रहती है कुछ ना कुछ हम नया हमारी ऑडियंस को दें, और अभी तो ये 2 साल का स्टॉक है पूरा जमा, तो इस साल भी काफ़ी गुजराती नए गाने होंगे, फोक गाने होंगे, नए गाने होंगे, ये मेरा अपना गाना होगा। जिस तरीके से आपने 2 साल की बात की, इन 2 सालों में जिस तरीके से सभी त्यौहार लोग बहुत ही मीन्स घर बैठे सभी को, गरबा तो लाइक एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ घर बैठे नहीं रह ही नहीं पाते हैं, सो आपका टाइम लाइक कैसा गया लाइक इन 2 साल के टाइम लाइक दौरान कोरोना के समय? कोरोना के समय मतलब पहला साल तो बहुत ही भारी गया, बिकॉज सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया स्टॉप हो सकती है। मतलब कभी नवरात्रि की गरबा हमारा नहीं होगा ये तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था, तो पहला साल थोड़ा हैवी गया, लेकिन सेकेंड ईयर फिर थोड़ा सा समझ गए कि भाई इस साल भी नहीं होने वाला है। वर्चुअल गरबा की काफ़ी ऑफ़र आई थी, लेकिन जो लाइव में जो मज़ा है लोगों के साथ वो वर्चुअल में मज़ा नहीं है, तो वी डिडंट डू इट। वेल लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, सभी फैंस के लिए अगर कुछ अगर आपको गुनगुनाने के लिए अगर कहा जाए तो? श्योर, आई सिंग माय न्यू सॉन्ग। एनी वासलड़ी, एनी वासलड़ी, वासलड़ी वागी रे के सुर ना वरसी पड़ा, वासलड़ी वागी रे हैड़ा मारा झूमी गया। थैंक यू।